यूट्यूबर तो हर कोई बन जाता है, पर यूट्यूब पर व्यूज कैसे लाएंगे इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, ना नॉलेज रहता है कि भाई हमारे इसमें व्यूज कैसे आएंगे। व्यूज नहीं आएंगे तो भाई आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, मोबाइल इस पर लेकर चलता हूँ। इसे कर दो तो यहाँ से स्टार्ट भाई, सिर्फ एक सेटिंग करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपकी इसमें भी व्यूज आएंगे। मैं पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि भाई मेरे इसमें कैसे व्यूज लेकर आता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने YT स्टूडियो ओपन कर लिया। आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी के पास YT स्टूडियो होता है, जिसमें आप सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, आपके एनालिटिक्स, इसके साथ साथ कमेंट्स, या फिर कंटेंट, या फिर आप जब थंबनेल्स लगाते हो या अनलिस्टेड से डायरेक्टली उसे पब्लिक करते हो। तो इस चैनल पर मैं यूट्यूब से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ A to Z, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा चैनल है। यहाँ पर अगर मैं आपको शो कर रहा हूँ तो आपको नीचे में दिखाई दे रहा है रैंकिंग बाय व्यूज, जो कि मैंने जस्ट अभी डाला था 47 मिनट्स पहले। तो यहाँ पर आपको व्यूज़ दिखाई दे रहा है 720, मतलब 720 हमारे इसमें गए। 1 घंटे में 1000 के ऊपर हमारे इसमें व्यूज़ चले जाएगा। अगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो रैंकिंग बाय व्यूज़, भाई इसके पहले मैंने जो 10 वीडियोज़ डाला था उसमें से सबसे टॉप ये है, ठीक है। और इसमें आपके इसमें लाइक्स भी दिखाई दे रहे हैं 102 और 58 कमेंट्स। भाई कमेंट्स, लाइक, ये जितनी भी चीज़ें होती है, ये सब एक्टिविटीज़ होती है आपके अकाउंट के साथ, इसके कारण आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ओके, यहाँ पर आपको वीडियोज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया हो, ये वीडियोस है जिसमें अचानक से यहाँ पर आपको लाइन दिखाई दे रही, मतलब इतना होना चाहिए था 200 हमारे इसमें जितने भी आते थे उससे 200 व्यूज ज़्यादा चल रहे हैं। नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको वॉच टाइम दिखाई दे रहा है, जस्ट वॉच टाइम यहाँ पर 37, ये पर भी चल रहा है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है आपके इसमें लोग अनसब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस आपके वायरल होते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये वीडियोस कैसा है, तो लोग क्या करते हैं अनसब्सक्राइब कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं गलत कमेंट्स भी करते हैं, लोगों को समझ भी नहीं आता, अनसब्सक्राइब करते बाद में सब्सक्राइब करते, तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अभी हमारे इसमें एस्टिमेट रिवेन्यू नहीं दिखा रहा, जस्ट अभी हमने डाले, कल आपके इसमें दिखाई देगा, 24 घंटे के बाद आपके इसमें ये दिखाई देने लग जाता, मतलब दिन के 2:30 बजे के बाद आपके इसमें ये शो होने लग जाएगा। रीच आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। पर यहाँ पर मैं एंगेजमेंट जरूर देखता हूँ, मेरा वॉच टाइम कैसा चल रहा है। अब यहाँ पर वॉच टाइम दिखे, एवरेज व्यू ड्यूरेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको शो करेंगे 259, मतलब 259 और 322 के बीच में हमारा 305 वॉच टाइम चल रहा है, मतलब लोगों को काफ़ी वीडियोज़ पसंद आ रहा है। और जितने रात में मैंने वीडियोज़ डाला, मान के चलिए अभी 12 बजने वाले हैं और 45 मिनट्स पहले, मतलब मैंने 11:15 बजे के आसपास वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो इसके मतलब इतने रात में भी मेरे इसमें व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं। मैं कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे पता रहता है मेरे ऑडियंस को क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बहुत पसंद है। अगर मैं यहाँ पर कंटेंट पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए बोनस से इंस्टाग्राम से रिलेटेड रील्स अपलोड, इसमें 500 है, इसमें 5.3, एक दिन में 5000, एक दिन में 9.2, मतलब 10000, इसमें इंस्टाग्राम मल्टीपल 5000, 3000, 4000, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गए थे 2000, फिर 2000 के बाद यहाँ पर 3.8, फिर यहाँ पर 10000, 34, 12000, क्योंकि इसके पहले पहले क्या कर रहा है, जितने भी मेरे वीडियोस थे सब डिलीट किया था, 1000 वीडियोस डिलीट किया, मेरा चैनल एकदम से डेथ हो गया था, उसके बाद मेरे इसमें कवर हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे ज़्यादा लोगों पर ध्यान देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ आपको दिखा रहा हूँ तो देखिए थंबनेल्स कितना अच्छा है। तो थंबनेल्स कभी भी आपको कैची बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, और जो आपके वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियोज डालना है। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूँ, जब भी आप वीडियोज डालते हैं, मेरा 9.37 है, बड़े वीडियोज डालिए, 8 मिनट से बड़े वीडियोज डाले, डेफिनेटली उसमें वॉच टाइम बढ़ेगा, एक्टिविटीज अच्छी होंगी, तो इसके कारण आपकी वीडियोज और ज़्यादा लोगों तक सजेस्ट किए जाते हैं। आपको लगता है सजेशन कैसे पता चलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये आपका अकाउंट हो जाएगा, रीच पर जाएंगे, यहाँ से आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सब एजाज इंजीनियर 3D वीडियोज, ये सब चीज़ें आपके इसमें दिखाई देंगे, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सर्च, सजेस्टेड वीडियो 7.5% हमारे इसमें जा रहे हैं। हाउ व्यूअर्स फाइंड दिस वीडियो सजेस्टेड, लोगों को सजेशन आ रहे कि भाई ये वीडियोज भी देखिए, ये सजेस्टेड वीडियोस में जरूर चेक करना, अगर ये जीरो है तो भाई आपके इसमें व्यूज़ कम हो जाएंगे। तो सजेस्टेड पे ज़्यादा कर ध्यान दीजिए, सजेस्टेड आपके तभी होंगे जब आप उसी के कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस बनेंगे। मेरा नीचे इंस्टाग्राम है, मैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ, तब जाके मेरे वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं। यहाँ पर देखिए आपके इसमें दिखाई दे, सबसे ज़्यादा तो लोग ब्राउज करते हैं उसके बाद, ठीक है। और मैं सही टाइम पर जो वीडियोज डालता, अभी रात में डालो, अब मान के चलिए यहाँ पर आपको ऑडियंस में दिखाई देगा। अगर मैं कोई दूसरा वीडियोज ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियोज मैंने लिया है, और यहाँ पर अगर मैं शो कर रहा हूँ आपको ऑडियंस, तो देखिए ऑडियंस में आपको शो होगा मेल कितने, इंडिया, कब कब आप पुट कर रहे हो। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बैक जाता हूँ, एंगेजमेंट मैं आपको शो कर देता हूँ, एंगेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, रिटर्निंग व्यूवर्स यहाँ पर मैं शो करता हूँ, रेवेन्यू भी हमारे इसमें शो हो रहा है, सब चीज़ें ठीक है। यहाँ पर मैं एक मिनट रीच, और यहाँ से बस थोड़ा सा बैक जाकर यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये टाइम आपके इसमें दिखाई देता है कि कौन से टाइम पे आपको रील्स डालना है, एनालिटिक्स में भी आप चेक कर सकते हैं, ऑडियंस में ये देखिए व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन द यूट्यूब, यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा कम रहते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि टाइमिंग
ये टाइमिंग ठीक है, संडे में कब डालना है, मंडे में कब डालना है, ट्यूजडे पे कब डालना है, सो सही टाइम पे रील्स डालिए, डेफिनेटली आपके रील्स बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लग जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा और भी क्या गलती आपको नहीं करना है जिसके कारण आपकी वीडियोस पर व्यूज रुक जाएंगे। कभी भी किसी और के कंटेंट मत डालिए, किसी और के कंटेंट डालेंगे आपके इसमें शुरुआत में कुछ कुछ व्यूज़ आने लग जाएंगे, पर आगे चल के वो व्यूज़ चैनल से कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके इसमें अगर कॉपीराइट क्लेम आता है या कोई कुछ वार्निंग आती है तो आपके इसमें व्यूज़ अचानक से कम होने लग जाएंगे। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, हमारे इसमें व्यूज़ बढ़ना चाहिए, आपको चाहिए बहुत जल्दी अर्निंग, तो आपको कुछ ऐसे वीडियोज़ डालना है जो आपने खुद के क्रिएट की हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जितने भी आपने वीडियोज़ देखेंगे सबके फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फेस वैल्यू नहीं है तो ओरिजिनल कंटेंट आपके होना चाहिए जिसमें वॉइस ओवर आपका होना चाहिए। तो डेफिनेटली ऐसे वीडियोज़ बहुत ज़्यादा सजेशन पे आते हैं, ठीक है। तो उसके पहले आपको क्या करना है, आपका चैनल तो मोनेटाइज हो गया होगा, तो ऐसे कंटेंट वीडियोज़ आपको ज़रूर डालना है। दूसरा, आपको कभी भी वाटरमार्क का इस्तेमाल नहीं करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ मैं काइनमास्टर से बनाता हूँ, आपको यहाँ पर शो होगा काइनमास्टर। काइनमास्टर का मैंने प्रीमियम खरीद के रखा है जिसके कारण क्या होता है इसमें लोगो वाटरमार्क आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है। तो ये चीज़ आपको करना है जिससे आपके व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। अभी मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं व्यूज़ शो कर रहा हूँ आपको, ये देखिए जस्ट यहाँ पर बैक, ये भी बैक, ये देखिए व्यूज़ मेरे मंथ में 8 लाख के आसपास जा रहे हैं, मतलब 9 लाख के आसपास एक मंथ में जा रहे हैं। इसके कारण अभी जस्ट मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, अब देखिए मेरे 720 थे, 785, ठीक है, जस्ट इतने रात में भी 720 से 80, मतलब 60 लोगों ने जस्ट अभी मेरे वीडियोस को देखे और 106 हमारे इसमें लाइक्स बढ़ गए हैं। आप क्या कर सकते हैं, हर थोड़ी देर में भैया आपको देखते मैंने भी इंस्टाग्राम पे फैन पेज बना लिया, थैंक यू सो मच, वेलकम। इस तरीके से क्या करना है, इनको जस्ट 6 मिनट पहले इन्होंने मुझे कमेंट्स किया तो मैं एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ। तीसरा, आपको एक्टिविटीज़ हमेशा दिखाना चाहिए, जितने भी लोग आपको मैसेज कर रहे हैं कमेंट्स कर रहे हैं उनका रिप्लाई देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि सर हमको कुछ ऐसी बता दीजिए जिसके कारण जो बड़े क्रिएटर्स हमारे इसमें आते हैं तो उससे कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर आप एनालिटिक्स में कंटेंट कमेंट्स ये सब चीज़ में जाकर आप यहाँ पर साइड बाय साइड करेंगे, यहाँ पर पब्लिक फिगर, चैनल मेंबरशिप, सब्सक्राइबर काउंट, इतने सब्सक्राइबर में 100 से 1000 10000, अब मान के चलिए मुझे 10000 के आसपास के चाहिए, यहाँ पर मैं 10000 करूँगा तो ये जितने भी लोग मुझे कर रहे हैं तो उनके सब्सक्राइबर 10000 के आसपास है। ये देखिए मेरे सब्सक्राइबर फॉलो है, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन नहीं आया है, मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैंने इस तरीके से मैसेज कर दिया है, शो नहीं हो रहा है, ये भी 10000 के ऊपर है, ये जितने भी वीडियोज एडिट करने के बाद भी नहीं हट रहा है, थैंक्स ब्रो, तो वीडियोज बनाने के लिए हम समझ में आ गया, वेलकम। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनको सबसे पहले मैं ध्यान देता हूँ, उसके बाद वो क्या करते हैं मेरे अकाउंट्स पर आते हैं, उनके साथ साथ ट्रैफिक भी आता है। तो उसके कारण आपको अगर व्यूज़ चाहिए तो भाई आपको वाटरमार्क इस्तेमाल नहीं करना है और अपने इंटरेक्शन करना है अपने फैंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तब जाके आप इतना अच्छे से ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1000 अगर आपके व्यूज़ आए तो कितना अर्निंग करेंगे, 10000 में कितनी करेंगे, 1 मिलियन में आप कितनी ज़्यादा यूट्यूब पर अर्निंग कर सकते हैं, सब कुछ मैं प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसे कर दो डायरेक्टली यहाँ से बन, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर विद फ्रेंड, सब्सक्राइब माय चैनल आजाद सिंह जी ने ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।